कुछ लोग कहते हैं कि पप्पू यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने ही उन्हें लालू यादव का दुश्मन बना दिया, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति में स्थापित करने के लिए लालू यादव ने पप्पू यादव को किनारे लगा दिया, तो कुछ लोग कहते हैं कि लालू परिवार की बाहुबली आनंद मोहन के परिवार से बड़ी नजदीकियों ने पप्पू यादव को राजनीति में हाशिए पर डाल दिया। आखिर क्या है लालू परिवार से पप्पू यादव की अदावत की असली कहानी, जिसमें 25 साल दोस्ती के हैं और 10 साल दुश्मनी के? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। लालू परिवार का पप्पू यादव से किस कदर विरोध है, इसकी एक वानगी भर है ये तस्वीर, जिसमें तेजस्वी यादव खुद पूर्णिया लोकसभा सीट से आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती के नामांकन में पहुंचे थे। लेकिन इतने भर से तो बात बननी नहीं थी, तो तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में कैंप कर दिया। पार्टी के 40 से ज्यादा विधायक पूर्णिया पहुंच गए। पार्टी के नेताओं का एक बड़ा हिस्सा पूर्णिया में पहुंच गया ताकि पप्पू यादव की हार को सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन बात इतने से भी नहीं बननी थी, तो फिर तेजस्वी यादव ने एक जनसभा में ऐसा कुछ कह दिया जिसने लालू परिवार और पप्पू यादव की अदावत के वो पन्ने खोल दिए जिनकी शुरुआत तब से होती है जब तेजस्वी यादव पैदा भी नहीं हुए थे। और ये कहानी है 1988 की, तब की, जब बिहार में नेता प्रतिपक्ष और समाजवाद के पुरोधा रहे कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया। उस वक्त कर्पूरी ठाकुर की पार्टी लोकदल के पास कुल 46 विधायक थे। इन विधायकों में नितीश कुमार से लेकर लालू यादव, छेदी पासवान, वशिष्ठ नारायण सिंह, रघुवंश प्रसाद सिंह, नवल किशोर भारती जैसे नेता थे। लेकिन कर्पूरी ठाकुर के बाद अनूप लाल यादव और गजेंद्र प्रसाद हिमांशु दो ऐसे नेता थे जो 1967 से ही विधायक बनते आए थे और वो नेता प्रतिपक्ष बनने की दौड़ में आगे थे। इनके अलावा मुंशीलाल और सूर्य नारायण भी नेता प्रतिपक्ष बनने की कवायद में जुटे हुए थे। उस वक्त 29 विधायक निर्दलीय थे। ऐसे वक्त में पप्पू यादव दावा करते हैं कि तब वो अनूप लाल यादव के ही घर में रहते थे। अनूप लाल यादव पप्पू यादव के फूफा थे। इसके बावजूद पप्पू ने विधायकों को लालू यादव के पक्ष में लामबंद कर दिया। नेता प्रतिपक्ष की ये लड़ाई इसलिए भी बड़ी थी कि ये तय था कि जो भी नेता प्रतिपक्ष होगा आगे चलकर वही बिहार का मुख्यमंत्री भी बनेगा। तो लालू यादव नेता प्रतिपक्ष बन गए, जिसका श्रेय गाहे बगाहे पप्पू यादव लेते रहते हैं। एक MLA की जरूरत थी डॉक्टर रवि के यहाँ आर ब्लॉक में, हमने नवल किशोर ऋषिदेव जी को लाके दिया और लालू यादव जी को विपक्ष का नेता। उस वक्त हम पर इतना वज्रपात हुआ, आरोपें लगी, कोर्ट स्टेशन में मेरे घर को तोड़ दिया गया। मेरे माँ बाप 14 दिन तक अखबार पर सोए बिना केस का। उस वक्त की बात मैं बता रहा हूँ, लालू यादव जी के विपक्ष के नेता के बनने के कारण। उस वक्त अनूप लाल बाबू विपक्ष के नेता बन रहे थे। अनूप लाल बाबू को मैंने वोटे जबकि मेरे फूफा जी थे और मैंने लालू यादव जी को दिया। हालांकि बिहार के सियासत को जानने वाले ये बताते हैं कि नेता प्रतिपक्ष बनाने में पप्पू यादव का कोई हाथ नहीं था, बल्कि लालू यादव ने अपने राजनीतिक कौशल से वो पद हासिल किया था। बहरहाल जो भी हो, तब लालू यादव नेता प्रतिपक्ष बन गए। और लालू के नेता प्रतिपक्ष बनने के अगले ही दिन पटना के अखबारों में खबर छपी कि कांग्रेस नेता शिवचंद्र झा की हत्या करने के लिए पूर्णिया से कुख्यात अपराधी पप्पू यादव पटना पहुंचा है। पप्पू फरार हो गए, उनके घर की कुर्की भी हुई, नीसा भी लगा और गिरफ्तार कर उन्हें भागलपुर जेल भी भेजा गया। इस बीच आया 1990 का विधानसभा चुनाव। विश्वनाथ प्रताप सिंह हाल ही में देश के नए प्रधानमंत्री बने। पूरे देश में जनता दल की लहर थी, हालांकि बिहार में जनता दल गुटों में बटा हुआ था। लालू यादव का गुट था, रामसुंदर दास का गुट था, रघुनाथ झा का गुट था, और भी छोटे छोटे गुट थे। और उस वक्त में पप्पू यादव लालू यादव के साथ थे। वो मधेपुरा के एक बड़े जमींदार परिवार से थे जिनके पास पैसे की कमी नहीं थी, माफिया का ठप्पा लग ही चुका था। इस बीच 1990 में ही भागलपुर के नौगछिया में एक नरसंहार हो गया। पप्पू यादव वहां पहुंच गए, लेकिन तब उन्हें लालू यादव ने डांट दिया। बोले, यादवों का नेता बनने की कोशिश मत कर। और फिर लालू यादव ने पप्पू यादव को विधानसभा चुनाव का टिकट देने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पप्पू यादव ने मधेपुरा में आने वाली सिंहेश्वर विधानसभा सीट से निर्दलीय ही पर्चा दाखिल कर दिया। ऐसे में पप्पू यादव निर्दलीय ही सिंहेश्वर से चुनाव जीत गए। लेकिन इस दौर में एक और बाहुबली नेता का उभार हुआ था और उस नेता का नाम था आनंद मोहन सिंह, जो जनता दल के टिकट पर शिवहर से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। इस बीच केंद्र की विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान था।
राजपूत जात से आने वाले आनंद मोहन सिंह ने इसका विरोध किया, वहीं लालू यादव इसके समर्थन में थे। लालू यादव को आनंद मोहन जैसे नेता की काट के लिए एक शख्स की जरूरत थी और पप्पू यादव इस खांचे में फिट बैठते थे, लिहाजा लालू यादव ने पप्पू यादव को आनंद मोहन के बरक्स खड़ा कर दिया। कोसी सीमांचल के इलाके में आनंद मोहन और पप्पू यादव की अदावत की कहानियां लोगों की जुबान पर चढ़ने लगी। इस बीच 1991 में सहरसा के बनमनखी में आनंद मोहन के काफिले पर फायरिंग हो गई। इसमें 2 लोग मारे गए। आरोप लगा पप्पू यादव पर, लेकिन तब लालू यादव मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते पप्पू यादव को बचा लिया। लेकिन इन सबके बावजूद 1991 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने पप्पू यादव को लोकसभा का टिकट नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि पप्पू यादव एक बार फिर से निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर गए। लोकसभा की सीट चुनी पूर्णिया, लेकिन इस सीट के नतीजे ही घोषित नहीं हुए क्योंकि तब के चुनाव आयुक्त TN शेषन ने इस सीट पर वोटिंग में हुई धांधली को देखते हुए चुनावी नतीजे जारी करने पर रोक लगा दी। कोर्ट के आदेश पर करीब 4 साल बाद फिर से वोटिंग हुई और नतीजे घोषित हुए तो पप्पू यादव ने निर्दलीय ही यहां से जीत दर्ज कर दी थी। इस बीच पप्पू यादव ने अपनी एक पार्टी भी बना ली थी और नाम रखा था बिहार विकास पार्टी, लेकिन बाद में उन्होंने मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के साथ अपनी पार्टी का विलय कर लिया। 1996 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव ने लालू यादव नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी से पूर्णिया लोकसभा का चुनाव लड़ा और फिर से जीत ली। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए। 1998 में जब देश में मध्यावधि चुनाव हुए तो पप्पू फिर से पूर्णिया का चुनाव लड़े और ये पहला चुनाव था जिसमें पप्पू यादव को मात खानी पड़ी। अब की बारी अटल बिहारी के नारे पर सवार बीजेपी ने पूर्णिया जीत लिया, लेकिन इस दौरान लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच ऐसे समीकरण बने कि पप्पू यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। वहीं 13 महीने के अंदर ही वाजपेयी सरकार भी गिर गई और देश में फिर से 1999 में मध्यावधि चुनाव हुए। पप्पू यादव फिर से निर्दलीय चुनाव लड़े और फिर से जीत गए। इस बीच माकपा विधायक अजीत सरकार की भी हत्या हुई थी और इसमें मुख्य आरोपी पप्पू यादव ही थे। तो लालू यादव पप्पू यादव की लगातार चुनावी जीत और बढ़ते रसूख को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे और लालू यादव ने पप्पू यादव को अपने करीब लाना शुरू कर दिया। ये लालू यादव का वो दौर था जब चारा घोटाला बाहर आ चुका था, वो गिरफ्तार होकर जेल जाकर बेल पर बाहर आ चुके थे और उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनकी लोकप्रियता में कमी आ रही है। इस बीच 2004 के लोकसभा चुनाव भी आ गए। भारतीय जनता पार्टी का इंडिया शाइनिंग का नारा पूरे जोर पर था और ऐसे में हार के डर से लालू यादव ने 2 लोकसभा सीटों से पर्चा दाखिल कर दिया। पहली सीट थी मधेपुरा, जिसके बारे में कहा जाता है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। दूसरी सीट थी छपरा, लेकिन जैसे ही इंडिया शाइनिंग का नारा धराशायी हुआ फायदा लालू यादव को भी हुआ और उन्होंने दोनों ही सीटों से जीत हासिल कर ली। छपरा अपने पास रखी और मधेपुरा से इस्तीफा दे दिया। पप्पू यादव को लालू ने मधेपुरा से उम्मीदवार बना दिया। पप्पू यादव मधेपुरा का उपचुनाव जीत। लालू और पप्पू यादव के संबंध भी प्रगाढ़ होते गए, लेकिन अजीत सरकार हत्याकांड का जिन्न फिर से बाहर आ गया। साल 2008 में पप्पू यादव को अजीत सरकार हत्याकांड का दोषी ठहराया गया। CBI की अदालत से उन्हें उम्र कैद की सजा हुई तो वो 2009 का चुनाव नहीं लड़ पाए। माँ शांति प्रिया को निर्दलीय चुनाव लड़वाया लेकिन माँ भी हार गई। पप्पू यादव करीब 5 साल तक जेल में बंद रहे। 2013 में पटना हाईकोर्ट ने पप्पू यादव को हत्याकांड से बरी कर दिया और फिर लालू यादव ने 2014 में पप्पू यादव को फिर से मधेपुरा की कमान सौंप दी। जेल से छूटने के बाद पप्पू यादव मोदी लहर के बावजूद 2014 में मधेपुरा से चुनाव जीत गए। 2015 में उन्हें बेस्ट MP का खिताब तक मिला क्योंकि उन्होंने लोकसभा की कुल 57 बहसों में हिस्सा लिया था। लेकिन पप्पू यादव की इसी जीत ने लालू यादव और पप्पू यादव के संबंध हमेशा हमेशा के लिए खराब कर दिए, क्योंकि यही वो दौर था जब लालू यादव के परिवार की दूसरी पीढ़ी सियासत में एक्टिव होने लगी। मीसा भारती, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। मीसा भारती 2014 में लोकसभा का चुनाव हार गई थी। तेजस्वी और तेज प्रताप 2015 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करवाने लगे थे और पप्पू यादव पार्टी में हाशिए पर जाने लगे थे, क्योंकि पप्पू यादव को लगता था कि यही वक्त है जब वो लालू यादव के सियासी उत्तराधिकारी बन सकते हैं। लेकिन तेजस्वी तेज प्रताप की सियासी मौजूदगी ने पप्पू यादव के अरमानों पर पानी फेर दिया और इसी का नतीजा थी जन अधिकार पार्टी जाप, जिसे बनाया तो पप्पू यादव ने था लेकिन वो RJD के सांसद थे तो पार्टी के पदाधिकारी नहीं बन सकते थे। 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव ने पप्पू यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया क्योंकि वो वंशवाद की बात करने लगे थे और यहीं से लालू यादव पप्पू यादव के संबंध
हमेशा हमेशा के लिए खत्म। लेकिन पप्पू यादव न तो 2015 के विधानसभा चुनाव में कुछ खास कर पाए, न 2019 के लोकसभा चुनाव में, और न ही 2020 के विधानसभा चुनाव में। और 2020 के चुनाव में भी लालू परिवार की पप्पू यादव से नाराजगी तब और खुलकर सामने आ गई जब तेजस्वी यादव ने बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार तो किया, लेकिन इकलौती सीट मधेपुरा में ही कैंप किया जहां से पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे थे। इतनी भयंकर नाराजगी के बीच पप्पू यादव को फिर से लालू की याद आई। 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले लालू यादव के दरबार में हाजिरी ली, आश्वासन भी मिला, लेकिन सीट नहीं मिली। तो पप्पू ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया, क्योंकि पत्नी कांग्रेस में है, लोकसभा सांसद रह चुकी हैं, अभी राज्यसभा से सांसद हैं ही, तो उम्मीद थी कि गठबंधन में ही सीट मिल जाएगी। लेकिन गठबंधन में पूर्णिया चला गया आरजेडी के पास, और लालू ने जदयू छोड़ आरजेडी में आई बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया। पप्पू यादव के हाथ खाली रह गए। उन्होंने लालू यादव से भावुक अपील की, राहुल गांधी से भावुक अपील की, लेकिन सब जाया हो गया। जो हाथ खाली थे तो खाली ही रहे। नतीजा वो फिर से बागी है, पूर्णिया से निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि लालू यादव ने पार्टी का विलय आरजेडी में करके मधेपुरा से चुनाव लड़ने को कहा, और जब मैंने इनकार किया तो मेरी राजनीतिक हत्या कर दी गई। और सियासत में भूल चूक माफ करने के लिए ख्यात लालू यादव और उनका परिवार पप्पू से इस कदर खार खाए हुए हैं कि तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी की पूरी ताकत इस काम में झोंक दी है कि भले ही बीमा भारती चुनाव जीतें न जीतें, लेकिन पप्पू यादव किसी भी हाल में चुनाव न जीत पाए। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।